तारिक, इसको लेके जाओ और कमरे में बंद कर दो। इस पर नजर रखना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो फरीद साहब, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आपा, आप क्या कह रही हैं, वहाँ कैसे जाएंगी? नहीं नाज़ली, तुम यहीं रुको, मैं जाकर दैमित को उसकी हद याद दिला। नहीं, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, अभी तक जो भी मुसीबतें आई वो सिर्फ आसुमान की गलती थी, पर अब अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो औरत और क्या करेगी। उसको रोकने का वक्त आ गया है फरीद। लेकिन आपा, उस औरत का आप क्या कर लेंगी? अभी फैसला नहीं किया है। अच्छा चलो जल्दी करो। कैसे हैं आप लोग? माफ करना, लगता है हम लोग गलत वक्त पर आ गए। देखो, लगता है हमने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया आके। ऐसा ही है क्या जानेमन? नाज़ली, फरीद, खड़े क्यों हो बैठो? आसलान घराने ने शर्फ दिया हमें शादी के बाद पहली बार यहाँ आने के लिए, ये करम क्यों हुआ हम पर? हम आने से पहले बताना चाहते थे मगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से इनको परवाह नहीं है। तुम्हारे किसी जासूस का है ये? लगता है ये फोन फ्री में आता है जब ही सबको बांटती फिर रही हो। मैं समझा नहीं। जितना ना समझी का दिखावा करना है कर लो, बस हमारी जान छोड़ दो। आसुमान बेवकूफ थी, तुमने चंद पैसों के लिए उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन यकीन करो अब आसुमान तुमसे बहुत ज्यादा होशियार है। उसने जल्दी समझ लिया, वो अकलमंद हो गई है, उसने ही हमें बताया। नाज़ली, तुम हमें आयात के दर्स दे रही हो मगर हम पहले इस निसाब से गुजर कर माहिर बन चुके हैं, तुम हमें क्या पढ़ाओगे? यानी हमने बदकिस्मती के झोंके खाए नाज़ली। जाहिर है हर किसी की जिंदगी उसके लिए होती है कान, हर किसी को इबरत हासिल करनी चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। बेहतर तो यही है कि ये खेल बंद कर दो। लेकिन तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए जाने दो। आज तुम्हारा वो जासूस लड़का पकड़ा गया है और कल ये ट्रक का मामला तुम्हारे हलक में अटक जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? हो फरीद, असलान की ख्याली दुनिया से इफ्तिताह सिनेमा घरों में जल्द आएगा। चलो नाज़ली, हमें चलना चाहिए। शर्म करो, क्या तुम लोग आग लगाने आए थे? रुक जाओ, बलूत आ रहा है, उससे भी मिलते हुए जाना। इसकी जरूरत नहीं, बलूत कल वैसे भी मेरे साथ होगा और जल्द ही वो हमारे साथ रहेगा। तुम्हारे आदमी थाने में है, फिर मिलेंगे। आफरीन है तुम पर, बहुत अच्छा किया। तुम हवा में उड़ गई हो। जो एक्टिंग की तुमने, अगर मैं वादा कर लूं तो जरूर निभाती हूं। खुशी हुई। खैर, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट पर उतारता हूं, मुझे कुछ काम है, बाद में ले जाऊंगा तुम्हें। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शाम को हम नुमाइश पर जा रहे हैं। नहीं फरीद, आज नहीं जा सकती, रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा काम है, हम फिर कभी चलेंगे। लेकिन मेरी बीवी होने की वजह से मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। असल में हमारी शादी अभी हुई है, बिल्कुल नहीं अवेली। फर्क नहीं पड़ता, कोई बात इस हकीकत को वैसे भी नहीं बदल सकती। क्या तुमने पूछा कि ये लड़की फ्री है या नहीं, इसको कोई काम होगा या नहीं? तुम्हें पता है कोई रेस्टोरेंट चलाना आसान काम नहीं है, और ये लड़की कैसे तैयार होगी, कब तैयार होगी, कुछ भी नहीं सोचा तुमने। कुछ तो ख्याल होना चाहिए तुम। मैंने तुमसे कहा था वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है। ठीक है नाज़ली, तुमने सारा रास्ता बताया है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। नाज़ली, एक मसला हो गया। क्या हुआ मनामी? बुराक भाग गया। वो चला गया। फरीद साहब, मेरी गलती है, मैं ही सबका जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा तुम यहाँ से उठोगे नहीं, मैं एक लम्हे के लिए यहाँ आया, वो खिड़की से भाग गया, फिर क्या करता? नहीं नहीं तारिक, देखो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारी मेरी गलती है, मैंने बुलाया था, एक काम था। अब क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम वैसे भी ये साबित नहीं कर सकते कि उसने खाना खराब किया और डैमेज के लिए जासूसी की, लेकिन हाँ बात यह है कि हमें मालूम है ये सब कुछ। सही, क्या हुआ है? कुछ नहीं, इंगिन साहब, बुराक भाग गया।
लेकिन अब से किसी को रखते हुए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे बताना और मैं तहकीक करूंगा। ऐसे किसी को काम पे मत रखना। जिसको भी रखो वो काबिले एतमाद शख्स हो। हम संभाल लेंगे, हमारा काम है ये, है ना मनामी? बिल्कुल बिल्कुल, हम संभाल लेंगे। यानी जो कस्टमर मशकूक लगेगा हम उसकी भी एंट्री बंद कर देंगे रेस्टोरेंट पे। बिल्कुल, ये भी करना चाहिए। मुझे जाना है, कुछ काम देखने हैं। चलो मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। वाकई अभी हमारे एम्प्लॉइज भी खुद सेलेक्ट करेगा, सारे एम्प्लॉइज ये खुद रखेगा। अब हमारे पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को। यार कितने अच्छे हैं ना ये तारिक। देखो ये लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि लड़ते लड़ते थकते ही नहीं। रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए। बोलो नाज़ली। हेलो फरीद, घर पे बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए हैं, क्या करना है? मिसेज़ इकबाल लाई हैं तुम्हारे लिए, दावत पर जाने के लिए। जो चाहो पसंद कर लो तुम। मैं अपनी चॉइस पे यकीन नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने मिसेज़ इकबाल को कहा और वो ले आएंगे। तुमने नहीं देखे, मिसेज़ इकबाल ने देखे। ऐसे कैसे? उन्होंने तस्वीरें भेजी थी, मेरी इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं खरीदती। कोई मसला है क्या? कपड़े पसंद नहीं आए तुम्हें? आए हैं, बहुत पसंद आए हैं, अच्छे हैं। हद तक कि इतने अच्छे हैं लग ही नहीं रहा कि मैं पहन सकती हूँ। नाज़ली मैं रास्ते में हूँ, अभी घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कहीं देर ना हो जाए। मुझे कुछ बताना है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें आना चाहिए क्योंकि मैं नहीं आ सकती। नाज़ली क्या कह रही हो, हमें इस दावत में मियाँ बीबी के तौर पर जाना है। मैं बहुत थक गई हूँ फरीद, बहुत मुश्किल दिन था और इन कपड़ों को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। नाज़ली हमें एक साथ जाना चाहिए दावत पर। मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा अगर बहाना बना दो। फिर मिलते हैं। जफर हम घर नहीं जा रहे, वापस चलो। हेलो इंगन, खुश आमदीद फरीद। शुक्रिया। वाओ कॉबॉय फरीद असलान आ गए। दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ मैं जरा डेनिस से मिल लूं। हेलो डेनिस। फरीद खुशामदीद। शुक्रिया, कैसे हो? ठीक। नाज़ली नहीं आई? हाँ नाज़ली नहीं आई, वो बीमार थी, थोड़ी ठंड लग गई है शायद। ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। ये खूबसूरत है, तुमने उससे बहस तो नहीं की? हमने कोई बहस नहीं की डेनिस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम घबराए हुए हो, इसकी क्या वजह है? ये ठीक है मगर तुमने जल्दबाजी में शादी की है, हो सकता है कुछ ऐसे मसले हों जो हल नहीं हो सकते अब। डेनिस हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ऐसा, मगर नहीं। हाँ पता है मैं अभी क्या सोचता हूं। क्या? मेरा मतलब तुम्हारे और नाज़ली के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, तैश में हुआ, समझ रहे हो ना? तुम्हें नहीं लगता ये शादी जल्दबाजी में हुई है? जब मैंने पहली दफा सुना तो मैं हैरान हो गया, मैं समझ नहीं पाया, मगर अब सोचता हूं इस बारे में। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं फरीद, और तुम फरीद आसानी से माफ नहीं करते हो किसी को भी, तुम्हें जिस पर गुस्सा आ जाए। डेनिस नाज़ली और मेरे दरमियान खास ताल्लुक है, तुम नहीं समझ पाओगे ये।
सलीम साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, नक्काशी बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया। खुश आमदीद, ये तो डेनिस साहब की कामयाबी है। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे मयार का काम है, अच्छा है कि हमारी कंपनी का नाम शामिल है। खैर मुबारक हो, बहुत अच्छी शुरुआत की है। बहुत शुक्रिया। ये गोया कि एक तहशुदा सरमाया था, मैंने बस तकरीब को थोड़ा सा बढ़ा दिया। आफरीन एनिस, ये नुमाइश शानदार है, मजा आ गया भाई। ओसूला होल्डिंग का होना एक अलग शराकत है, एक कदम यानी। फरीद असलान, शर्म करो, सबसे मुकालमा किया मगर हमें सलाम तक नहीं दिया, मैं नाराज हूं। फरीद, नाज़ली नजर नहीं आ रही, क्या हुआ, कोई मसला हुआ? हाँ, तुम लोग नए नवेले शादीशुदा जोड़ा हो, ऐसी रात को एक साथ आना ज्यादा मुनासिब नहीं है तुम लोगों के लिए। क्या नाज़ली को कुछ हुआ है? क्यों नहीं आई वो? नाज़ली आ गई मेरी चार। के लिए माजरा चाहती हूँ। कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा शुक्रिया। आगे जाके तस्वीरों को देखते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी। माइंड चेंज हो गया मेरा। मुझे अकेले ना छोड़ने का शुक्रिया। मैं यहाँ तुम्हारे सौदे की वजह से आई हूँ बस। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों आई हो, तुम आई और मेरे साथ हो। हर कोई हमें खुश शादीशुदा जोड़ा समझ रहा है, ये काफी है। हाँ, हंसते रहो, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये ड्रेस तुम्हारी पसंद है? हाँ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद नहीं आई? तुम्हें अच्छे नहीं लगे? बुरा नहीं है। बुरे नहीं है। तुम्हें थोड़ा स्टाइल पर काम करने की जरूरत है। मैं कुछ पीने को लाता हूँ। पता नहीं क्या समझता है। माफ कीजिएगा। क्या हम तुम्हें रात का सितारा पुकार सकते हैं? नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद सबसे थकी हुई और परेशान लड़की है। परेशान हो तुम? कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ नाज़ली? तुम चमक रही हो नाज़ली, शानदार दिख रही हो तुम। तुम्हारा शुक्रिया। डेनिस, ये ब्रेसलेट मेरी है ना? हाँ, और मैं पकड़ा गया। हाँ, तुम्हारी है। तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने उतारी थी और जब मुझे मिली तो मैंने जेब में रखी। बहुत अच्छी है, मुझे वापस कर दो आप। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं मेरे पास रहे यादगार के तौर पर। डेनिस, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे दोस्त हो। सिर्फ एक यादगार? यादें तकलीफ नहीं पहुंचाती।
स्वीटहार्ट, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। उन्हें ये कहा कि तुम नहीं आओगे, मगर मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। हाँ, रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा रश था, लेकिन स्टाफ सब देख रहा था तो मैं आ गई। तुम्हें ठंड भी लग गई थी? हाँ, लेकिन अब काफी बेहतर है मेरी तबीयत, खुशकिस्मती से ठीक हो जाओगी। बहुत शुक्रिया। शायद डेनिस को शक है कोई। हाँ शायद, उसे लगता है कि हमारा झगड़ा हुआ है, या इससे भी बदतर कुछ। उसे लगता है कि हमारी शादी असली नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, लेकिन बेहतर होता अगर तुम रेस्टोरेंट के हजूम का नहीं बोलती। उसे कैसे पता कि मुझे ठंड लगी थी? अगर मुझे पता होता तो मैं दिखावा कर लेती। नाज़ली, ये हसास मौसू है, बुलत का सवाल है, हमें ज्यादा ख्याल रखना होगा, कोई कमी नहीं छोड़नी। छोटी सी गलती भी सब बर्बाद कर सकती है, फिर हम बुलत को हासिल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से असल मसला जज्बात है। कौन सा जज्बात? तुम मुझे ऐसे नहीं देखते जैसे मुझसे प्यार करते हो। यह बात नहीं है, मैं अभी भी गुस्सा हूँ, तुम्हें माफ नहीं किया मैंने। यही कह रही हूँ मैं, असल में कभी कभी देखते हो वैसे, ऐसे देखते हो कि मुझे यकीन आ जाए तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कभी कभी नफरत की निगाह से देखते हो तुम मुझे। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी मेरे ज्यादा करीब हो सकती हो। कभी कभी हम अजनबियों जैसे होते हैं। माफ करना, लेकिन ये मेरी जान जाने मन मुझसे नहीं बोला जाता। नाज़ली, ये एक सौदा है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो इस डील को दिखाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। जरूरत पड़ी तो चूम भी लेंगे। कभी नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मुझे देखो फरीद, मुझे ये हरकतें पब्लिक में बिल्कुल पसंद नहीं है, कसम से मसला खड़ा कर दूंगी मैं। तुम्हारी बीवी होना कितना मुश्किल काम है। क्यों? क्या मतलब, हम इन दावतों पर वक्त जाया करना होगा वगैरह वगैरह। अरे आराम से, क्या हुआ? मोच आ गई। ठीक तो ना तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ फरीद, ये क्या कर रहे हो? कमरे में ले जा रहा हूँ। है लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। मुझे हील्स पहनने की बिल्कुल आदत नहीं, इसलिए शायद मेरा उससे पैर टकरा गया। बर्फ ले आऊं क्या? नहीं। पक्की बात है? जरूरत नहीं, अभी सही हो जाएगा। मैं फिर अपने कमरे में जा रहा हूं, चूंकि कोई घर पे नहीं है तो हमें साथ सोने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। नाज़ली, मैं कंपनी जा रहा हूं, रेस्टोरेंट उतार दूं तुम्हें क्या? नाज़ली, तुम सो रही हो, मैं अंदर आ रहा हूं। नाज़ली, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट में हूँ। रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता है, क्या मतलब क्या कर रही हूँ? यहाँ मैं काम करती हूँ, यहीं आऊंगी, और कहाँ जाना है मैंने?
और वैसे भी कल रात बताया था तुम्हें कि मैं सुबह जल्दी रेस्टोरेंट आ जाऊंगी, बहुत काम है मुझे। अच्छा, परेशानी की कोई बात नहीं, बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, बाय। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। मैंने टायर पंचर करके गाड़ी मैकेनिक की दुकान पर छोड़ दी है। ताहिर ने कहा था हकान होगा वहाँ आज, तुमने किसी को देखा? वो नहीं था वहाँ, लेकिन मैंने खसूसन तौर पर वहाँ देखा भी नहीं। ऐसा इसलिए किया कि कोई मुझ पर शक ना करे। यानी मंसूबा हमारा ठीक था, लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी। मतलब मेरे अंदर भी सलाहियत है, जिसकी वजह से उन्हें यकीन आ गया। ब्रावो तारिक, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। नहीं, मुझे असल में मजबूर नहीं किया गया, बहुत आसान है। बस ज्यादा मुश्किल मुझे टायर पंचर करने में हुई। पता नहीं नए टायर को फाड़ना इतना मुश्किल क्यों है फरीद साहब, लेकिन डरते डरते मैंने टायर पंचर कर ही दिया। खैर देखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं मुझे फोन आए हुए। फरीद साहब, गाड़ी आती ही होगी। हाँ तारिक, जैसे ही गाड़ी आए मुलाजमीन उसको देखें। ये देखना जरूरी है कि सिर्फ टायरों को ही चढ़ा है या किसी और चीज को भी। जी जी। ताहिर ने फोन नहीं किया? उसकी मौजूदगी में फोन नहीं कर सकता वो। हाँ, हजरात, मुझे फखर हो रहा है, कसम से दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। मैं बस एक बात कहूंगा दोस्तों, गाड़ी आग पर है। वाकई ऐसे खींचते हो हैंडल को, पानी निकलता है बाहर। इंजन तुम दबाओ, काम करता है ये और फिर बंद हो जाता है। मुझे पसंद आया, टायर के साथ मसला था, तुम मेरी दुकान पर ले आए इसे। मैं भी वहीं पे था, लड़के ने कहा कि काम हो गया है, आप गाड़ी को ले जाएं। मैंने कहा खुशी से और मैं आ गया। कसम से अच्छा किया। ये रही आपकी गाड़ी, बहुत अच्छी जगह है। मैं भी गाड़ियां वहाँ लेकर जाता हूँ सर्विस के लिए। लड़के बहुत भरोसे वाले हैं, टायर बहुत अच्छे से सही किया उन्होंने। अब इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा, अगर ख्याल से चलाएंगे तो। हम बड़े काम करते हैं, हमारे बड़े रकीब हैं, मगर दुश्मन हैं। जो भी गाड़ी किसी के साथ खेलती है बदल देते हैं। हमारा काम ही कुछ ऐसा है ना। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। खैर माफ करना, मैं चलता हूँ। ये सब कुछ पहले से जानता था, जब इतनी शोखियां मार रहा है। तारिक, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ किया है, तुम फिर भी देख लो। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मिलते हैं फिर बाद में। जी इंशाल्लाह। हम अच्छा ध्यान रखते हैं। तुम्हें इसी चटनी के साथ खाना होगा। देखो वो आ गई। कहाँ रह गई थी तुम नाज़ली? ये रही आपकी चटनी। हम लोग बस कुछ बातें कर रहे थे। कोफ्ते कैसे थे? बहुत अच्छे हैं। मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे मुर्गा बना दिया, और मुर्गा क्लास के अंदर नहीं क्लास के बाहर पूरे स्कूल में तमाशा बन गया मेरा। चलो बोलो, चलने का वक्त हो गया है। तुमने आंखें मलना शुरू कर दी है, नींद आ रही है तुम्हें। मामा थोड़ी देर और रुकने देना यहाँ। हमें काफी देर हो गई है, घर चलते हैं। जाके शावर लेना और सीधा बिस्तर पे। मैं वो झाग वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या मामू? हाँ बिल्कुल। ये बात, ओह उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या तुमने ट्राई किया है नाज़ली? हाँ मैंने भी ट्राई किया है। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें आप लोग, मैं चलता हूँ। एक काम कंप्लीट करना है मुझे आज रात में। मिलते हैं। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं चाचू। मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। मैं पूरे कमरे में झाग भर दूंगा। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो अम्मी को सोने में इतना सारा तंग करती थी। क्या मतलब? जाहिर है कि मुझे नहीं पता। बहुत बुरी बात है। मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मुझे रात को आप इसके एक रोज की कहानी सुनाया करें। ये बात मजे का है नाज़ली। जब घड़ी ऐसा करेगी तो मैं बिस्तर पर जाऊंगा। अच्छी बात है, देखो अभी घड़ी ऐसा कर रही है और तुम्हें फौरन सो जाना चाहिए। ठीक है जल्दी सो जाओ। चलो अच्छे से सो जाओ। मैंने तुम्हें गुड नाइट किस भी दे दी। गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट बेटा। तुम्हें भी गुड नाइट। तुम्हें भी शब्बा खैर। मेरे ख्याल से तो आप तब सोती हैं जब सारी दुनिया घोड़े बेच के सो जाती है, और हाँ जब तक बुलू यहाँ है हम साथ सोएंगे। ओहो बुलू तब जागेगा नहीं, वो सुबह तक ऐसे ही सोता रहेगा। तुम नहीं जानती बुलू को, वो अक्सर रात को डर कर उठ जाता है, कभी पानी पीने की वजह से कभी किसी और वजह से, और उसने अगर हमें अलग अलग कमरों में देखा तो जरूर पूछेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी सारी साजिशें, चलो जाके सो जाओ। नाजली अगर तुम चाहो तो तुम नीचे सो सकती हो, क्योंकि तुम जहाँ तक जा सकती थी बिस्तर पर चली गई हो, अब जगह नहीं है। नाजली मेरी जान, मैं नीचे सो जाता हूँ ये कहने के बजाय। ये सब हालात तुम्हारे ही बनाए गए हैं, वरना मुझे कोई मसला नहीं है बिस्तर पर सोने पे, ठीक है ना? हाँ जैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बुलूत की खुशी के लिए आई हूँ, इसलिए मैं नीचे नहीं सोऊंगी। चलो नाजली अब जल्दी सो जाओ, मुझे सुबह उठकर मीटिंग में जाना है। तुम वाकई मुझे नहीं बताओगी कि सुबह क्या हुआ था, क्या कहानी थी वो? कोई है, कोई है, कोई है, प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर मैंने वो मछली एक बाउल में डाल दी और मुझे याद आया कि उसमें तो पानी बहुत कम था। मैं झूठ नहीं बोल सकता, बहुत पूरी तजस्सुस था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन चला गया। हाँ चला गया, मैं हर वक्त साथ हूँ तुम्हारे।